बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज ही इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हीरो। सर किसी से भी नहीं डरते हैं, तो मुझसे क्यों डरते हैं? मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर क्या है ना, मैं वो गुस्सा में ज़्यादा अपने मैं नहीं चर्चे में हूँ, मैं क्यों चर्चे में रहती हूँ, नहीं। पर ही इज़ वेरी वर्कहोलिक, मतलब ईयरली हमको 365 डेज है, सो 365 डेज भी ही वर्क। वो अच्छा भी चीज़ है पर एट द सेम टाइम थोड़ा बुरा भी चीज़ है, बिकॉज ही शुड टेक रेस्ट। नमस्कार, आप सबको स्वागत है UNN मीडिया पे और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। तो इस वक्त UNN मीडिया की टीम पहुँच चुकी है फरिश्ते फिल्म के सेट पे। जी हाँ, दूसरी बार, और आप सबको पता ही है कि लखनऊ में हो खेसारी लाल यादव की फिल्म की शूटिंग और हम ना पहुँचे, भला आज तक ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो खेसारी जी नहीं बल्कि उनकी खूबसूरत हीरोइन है, जो बैक टू बैक उनके साथ कई हिट फिल्में कर रही हैं। रिलीज एक भी नहीं हुई है लेकिन एक का ट्रेलर आ चुका है जो काफ़ी चर्चा में है। तो स्वागत करते हैं दूसरी टाइम। मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू अवर मूवी सेट। सो पहली बार हम लोग मिले थे गोवर्धन के सेट पे, नीरवा जी साहब शूटिंग कर रही थी और आई थिंक उस टाइम आप सेकेंड फिल्म थी आपकी, थर्ड फिल्म थी? हाँ, गोवर्धन मेरा थर्ड मूवी था, फर्स्ट राइट, उसके बाद अप्रदेश के बाद गोवर्धन, या प्रतापगढ़ में हम मिले थे। सो अभी कौन सी फिल्म की, मतलब अब ये कितना नंबर हो गया? फिफ्थ, और इसमें से फोर खेसारी जी के साथ। हाँ, मैं सबसे पहला सवाल जनता की तरफ से यही है कि भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम करना हर किसी के बस में नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज ही इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हीरो। फर्स्ट मूवी जब हम शूट करते थे तो ऑब्वियसली वो एक हेजिटेशन, लाइटली हेजिटेशन होता है बिकॉज फर्स्ट मूवी उनके साथ। सो अभी फोर्थ मूवी है, अभी लाइक हेजिटेशन कुछ भी नहीं है, लाइक जैसे भी सॉन्ग या गाना हो बहुत ही आरामसली मैं शूट करती हूँ। सो अभी मैं बहुत कंफर्टेबली उनके साथ वर्क करती हूँ। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने हमसे कहा स्पेशली कि आपसे मैं भोजपुरी ज़रूर सुनूँ। सुना आपने, सीख लिया है? थोड़ा थोड़ा सीखा होता नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ क्या सर, जोर से बोलिए। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। पर क्या है ना, भोजपुरी ना मुझे जो ओनली जो मुझे बोलना पड़ेगा वो मुझे थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप मुझे लिख कर देते हैं ना वो मैं फटाक से याद करके मैं बोल देती हूँ। सो मुझे जब मैं शूट पर होती हूँ तभी मुझे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, पर जब ऑफ स्क्रीन जब मैं बात करती हूँ तब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, मतलब ऑन स्क्रीन दिक्कत नहीं होता है। इसमें किसका हाथ माना जाए, डायरेक्टर का कि एक्टर का? सबका एक्चुअली, डायरेक्टर, हीरो, मेरा को-आर्टिस्ट, सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सो इसलिए मुझे थोड़ा इजी हो रहा है। से इंडस्ट्री में आया अब आपको काफ़ी टाइम हो गया, कोई यहाँ पे होता है ना ग्रुपिज्म भी चलता है लेकिन जिगरी दोस्त भी मिलते हैं, भाई भी मिलते हैं, ऐसा कोई रिश्ता आपका बना यहाँ पे? कहाँ काफ़ी टाइम हुआ है, मैं सिर्फ आई थिंक 5 फिल्में कर रही हैं, वो भी इंडस्ट्री में बैक टू बैक, वो भी ट्रेंडिंग स्टार के साथ। अरे काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर से मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ जब मेरा शूट होता है तब मैं आती हूँ लोकेशन में, और शूट ख़त्म होता है तब मैं फटाफट मैं बैंगलोर चली जाती हूँ। सो उतना मुझे कनेक्शन या फ्रेंड दोस्त वैसे मुझे नहीं मिला, पर जब मैं शूटिंग सेट पर होती हूँ मेरा को आर्टिस्ट, हीरो, टेक्नीशियंस, वही सब मेरा दोस्त हो रहे हैं। अभी आप खेसारी जी 4 फिल्म है और आपको पता है कि खेसारी जी किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं, अब वो चर्चा में रहेंगे तो उनकी हीरोइन भी चर्चा में रहेंगी। मैं नहीं चर्चे में हूँ, मैं क्यों चर्चे में रहती हूँ, नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए तो क्या चर्चा है मेरे बारे में, बोलिए। चल बताऊँ? बता दीजिए। पहली बात तो सुनने में आया कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपसे खेसारी लाल यादव जी भी डरते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं डरते नहीं, अरे डराते हैं, मतलब सर डराते हैं? सर किसी से भी नहीं डरते, तो मुझसे क्यों डरते हैं? और यार फर्स्ट वन तो ठीक है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर क्या है ना, मैं वो गुस्सा में ज़्यादा अपने मम्मी पर, नहीं नहीं मम्मी पर निकाल लेती हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं बहुत ही क्लोज होती हूँ उसके ऊपर मैं गुस्सा निकाल लेती हूँ, सेट पर मैं ज़्यादा इसके ऊपर निकाल लेती हूँ क्योंकि ही विल बी विथ मी ऑल द टाइम, उसके अलावा मैं ज़्यादा किसी के ऊपर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। खेसारी जी गुस्सा करते हैं ऑन लोकेशन सेट पे? नहीं, कभी भी नहीं।
He has not been angry. He's a very cool. वैसे तो खेसारी जी की तारीफें हर कोई करता है जो उनके साथ काम करता है, जो नहीं करता उनके हम सुनते ही नहीं है। आप काम किए हैं, दो ऐसी चीजें जो उनके बारे में नहीं पसंद है। नहीं पसंद वैसा कोई नहीं है, पर ही इज वेरी वर्कहोलिक। मतलब ईयरली हमको 365 डेज है, सो 365 डेज भी ही वर्क। सो आई विल कीप टेलिंग सर एटलीस्ट एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, रेस्ट लीजिए, बट ही इज अ वेरी वर्कहोलिक। वो अच्छा भी चीज़ है पर एट द सेम टाइम थोड़ा बुरा भी चीज़ है, बिकॉज ही शुड टेक रेस्ट। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, जब आप सेट पे नहीं आए थे उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपके साथ काम करना है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, उन्होंने तो बहुत तारीफ की थी। आप बताइए कि आपका जो डायरेक्टर है उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है और कैसा लग रहा है? लाल बाबू पंडित सर, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं उनसे, जब मैं मुंबई में एक सॉन्ग शूट कर रही थी, सो वहाँ लाल बाबू सर आए थे, पर वहाँ पर हमारा ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ था, सिर्फ हाई बाय नॉर्मल बातचीत। उसके बाद मैं यहाँ पर सेट पर मिली थी, सो फर्स्ट डे मैंने देखा सर बहुत ही साइलेंट थे, सो आई थॉट सर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, पर जब हमारा सीन शूटिंग चालू हुआ सो बहुत ही जोवियल डायरेक्टर है, लाइक आराम से उनके साथ मैं वर्क कर सकती हूँ। और जब भी मैं एक अच्छा शॉट देती हूँ तो ही विल कमेंट से गुड अम्मा, वेरी गुड अम्मा, सो ही विल टीज मी। सो बहुत ही जोवियल डायरेक्टर है, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। फर्स्ट मूवी में भी मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इन द रिगार्ड्स ऑफ वर्किंग, सो डेफिनेटली मैं आगे भी उनके साथ वर्क करने की बहुत इच्छा है। इस फिल्म में आपका किरदार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट पे आए हैं तो लग रहा है आप कुछ मजदूरी कर रहे हो, पूरा ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, रियल में ऐसी नहीं है, इनको बनाया गया है, इनके डायरेक्टर ने इनको ऐसा किया हुआ है, तो अब इसमें क्या किरदार है आपका? इसमें फरिश्ते मूवी में मैं एक अनाथ लड़की हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैं एक लेबर, बहुत ही पोअर वर्किंग लड़की हूँ। एक्चुअली आई वॉन्ट टू थैंक लाल बाबू सर, क्योंकि ऐसा एक रोल उन्होंने ही हैज़ बिलीव्ड इन मी एंड ही हैज़ गिवन मी, सो ऐसे एक बहुत ही पोअर लेबर लड़की है। ओके, इसमें एक और एक्ट्रेस है पूजा जी, तो वो उनका भी किरदार कुछ आपसे मिलता जुलता है कि कुछ अलग है? एक्चुअली जब मैं आई थी सो पूजा वॉज नॉट देयर, उनका ऑलरेडी आई थिंक पोर्शन हो चुका था, सो मुझे पता नहीं उनका रोल कैसा है, मुझे पता नहीं। इसके आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन सी फिल्में शूटिंग होने वाली हैं? इसके आगे तो मतलब भोजमेरी में सिर्फ अभी डिस्कशंस हो रहा है, जब साइनिंग होगा, जब शूटिंग चालू होगा तब ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। अभी इसके बाद मुझे साउथ में एक मूवी है, तो इसको फिनिश कर वहाँ जाकर शूट करना है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बाय बाय UNN मीडिया। तो ये थी मेघा जी, बहुत ही प्यारी हैं, और इनसे और भी इंटरव्यूज़ मिलेंगे आपको हमारे ही चैनल पे, तो देखते रहिए UNN मीडिया।